हेलो फ्रेंड, निटिंग डिज़ाइन में देखिए, बहुत छोटे छोटे से मैंने एलिफेंट बनाए हैं, बॉर्डर की तरह बनाया है। बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी हमारी डिज़ाइन, और इसी डिज़ाइन को आप पूरे स्वेटर में भी बना सकते हैं। तो इसी के ऊपर मैं दूसरी डिज़ाइन आपको बना के दिखाती हूँ। तो आप अपने हिसाब से फंदे डालिए, बॉर्डर बनाइए, और बॉर्डर बनाने के बाद इस डिज़ाइन को स्टार्ट करिए। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 14-14 के मल्टीपल फंदे चाहिए, तो ये डिज़ाइन सेट हो जाएगी। और जब 14-14 के मल्टीपल हम फंदे लेंगे, तो बीच में हमारे दो फंदों का गैप आएगा। तो ये बॉर्डर बनाने के बाद जो रो वन स्टार्ट होती है, वहाँ से मैं ये डिज़ाइन आपको बताती हूँ। और इसमें सबसे पहले हमारा बेस कलर आएगा 1, 2, 3, 3 फंदे रेड के बाद 1, 2 फंदे वाइट, 1, 2 फंदे रेड, 1, 2 फंदे वाइट, और अब रेड कलर से 1, 2, 3, 4, 5 फंदे रेड के। अब हम इस 3 रेड से लेकर 5 रेड तक की डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। तो एक बार और रिपीट करते हैं, ये 1, 2, 3 फंदे रेड, 1, 2 वाइट, 1, 2 फंदे रेड, 1, 2 हमारे वाइट से, अब रेड कलर से 1, 2, 3, 4 और 5। तो देखिए, इन्हीं फंदों को रिपीट करते हुए हमें बनाना है। और जब मैंने इन्हीं फंदों को फिर रिपीट किया है, तो यहाँ बीच में हमारे 8 फंदे रेड कलर से हो गए हैं। और देखिए, ये हमारी रो 2 है, जिसमें सबसे पहले 1, 2 फंदे हम रेड से करेंगे, 1, 2 फंदे वाइट, 1 रेड, 1, 2 वाइट, 1, 2 फंदे रेड, 1, 2 वाइट, 1, 2, 3 फंदे रेड के। अब हम इस 2 रेड से लेकर इस 3 रेड तक के डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। और एक बार और रिपीट करते हैं, ये 1, 2 फंदे रेड, 1, 2 वाइट, 1 रेड, 1, 2 फंदे वाइट, 1, 2 फंदे रेड, 1, 2 वाइट, 1, 2, 3 हमारे रेड से। और जब हमने इन्हीं फंदों को फिर रिपीट किया, तो बीच के 5 फंदे रेड कलर से हो गए हैं। ये देखिए, रो 3 में ये 1, 2, 3 फंदे रेड को रेड करेंगे, और इस 2 वाइट को वाइट, 1, 2 फंदे वाइट, 1, 2 फंदे रेड, 1, 2 वाइट, 1 रेड, 1, 2, 3 फंदे वाइट, और 1 हमारा रेड। अब हम इस 3 वाइट से लेकर 1 रेड तक के डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। तो एक बार और रिपीट करते हैं, ये 1, 2, 3 फंदे रेड के, 1, 2 वाइट, 1, 2 फंदे रेड, 1, 2 वाइट, 1 रेड, 1, 2, 3 फंदे वाइट, और 1 हमारा रेड। ये देखिए, रो 4, जिसमें इस रेड को 1 रेड करेंगे, 1 वाइट, 1 रेड, 1, 2 फंदे वाइट, 1 रेड, 1, 2, 3, 4, 5 फंदे वाइट के, 1, 2, 3 फंदे रेड। अब इस 1 रेड से लेकर 3 रेड तक के डिज़ाइन को हम रिपीट करेंगे। तो एक बार और रिपीट करते हैं,
वन हम रेड से करेंगे, वन वाइट, वन रेड, वन, टू फंदे वाइट, वन रेड, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव वाइट, वन, टू, थ्री फंदे रेड के। और जब मैंने फिर इन फंदों को रिपीट किया तो अब बीच में फोर फंदे रेड के हो जाएंगे। ये हमारी रो फाइव है, जिसमें सबसे पहले वन हम रेड से करेंगे, वन रेड के बाद वन वाइट, वन रेड, वन, टू, थ्री, फोर फंदे वाइट, वन हमारा रेड आएगा, वन, टू, थ्री फंदे वाइट, वन, टू, थ्री हमारे रेड से। अब हम वन रेड से लेकर थ्री रेड तक के डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। ये वन रेड, वन वाइट, वन रेड, वन, टू, थ्री, फोर फंदे वाइट, वन रेड, वन, टू, थ्री फंदे वाइट, वन, टू, थ्री फंदे रेड के। और देखिए फिर मैंने जब इन्हीं फंदों को रिपीट किया तो अब यहाँ बीच में फोर फंदे रेड के हो गए। ये हमारी रो सिक्स है, जिसमें वन, टू, थ्री फंदे रेड को रेड करेंगे, वन वाइट, वन रेड, वन, टू फंदे वाइट, वन हम रेड से करेंगे, और अब वन, टू, थ्री, फोर फंदे वाइट, वन, टू फंदे रेड के। अब हम इस थ्री रेड से लेकर टू रेड तक के डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। तो एक बार और रिपीट करते हैं, वन, टू, थ्री फंदे रेड, वन वाइट, वन रेड, वन, टू वाइट, वन रेड, वन, टू, थ्री, फोर फंदे वाइट के, वन, टू हमारे रेड। और जब इन्हीं फंदों को फिर रिपीट किया तो बीच के फाइव फंदे अब रेड के हो गए। ये हमारी रो सेवन, जिसमें वन, टू, थ्री फंदे हम रेड के करेंगे, वन, टू, थ्री फंदे वाइट, वन रेड, वन, टू, थ्री फंदे वाइट के। अब रेड करने से वन, टू, थ्री, फोर हमारे रेड से। अब हम इस थ्री रेड से लेकर फोर रेड तक के डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। और यहाँ पे देखिए जब मैंने इन्हीं फंदों को फिर रिपीट किया है तो थ्री वाइट, वन रेड, थ्री वाइट के बाद बीच के सेवन फंदे रेड के हैं, फिर थ्री फंदे वाइट हैं, वन रेड है, थ्री वाइट, सेवन रेड। इस तरह से ये पूरी रो हमारी बनी है। और देखिए रो नंबर एट, जिसमें वन, टू, थ्री, फोर, फाइव फंदे हमारे रेड के, वन, टू, थ्री फंदे वाइट, और रेड कलर से वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स हमारे रेड से। अब हम इस फाइव रेड से लेकर सिक्स रेड तक के डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। और ये देखें यहाँ पे जब मैंने फिर रिपीट किया है तो थ्री फंदे वाइट के बाद इलेवन फंदे हमारे रेड के हैं, फिर थ्री फंदे वाइट हैं, इलेवन फंदे रेड, थ्री वाइट, इलेवन रेड। इस तरह से ये पूरी रो हमारी बनी है। और देखिए ये रो एट तक हमारी ये डिज़ाइन बन गई। अब इसके बाद रो नाइन और टेन, दो सिलाइयाँ हम रेड कलर से बनाएंगे। और देखिए
यहाँ पे हमने दो सिलाइयाँ रेड कलर से बना ली हैं, तो कितनी खूबसूरत और प्यारी से हमारी डिज़ाइन आ गई। इस तरह से ये पूरे स्वेटर में बन जाएगी। अगर आप एक डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो रो नंबर 1 से लेकर रो नंबर 8 तक की डिज़ाइन बनाएंगे, और अगर पूरे स्वेटर में बनाना चाहते हैं तो रो 1 से लेकर रो 10 दो सिलाइयाँ जो मैंने प्लेन बनाई है उसे भी काउंट कर लेंगे। तो रो 1 से लेकर रो 10 तक की डिज़ाइन को हम बार बार रिपीट करेंगे, तो यही डिज़ाइन हमारे पूरे स्वेटर में भी बन के आएगी। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी। थैंक यू।